मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गलतियां जदयू और कांग्रेस कभी करेगी, लेकिन आरजेडी के विधायक पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम भट्टी साहब से आग्रह करेंगे, आपके लिए अग्नि परीक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके स्टार शिवम। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में कल जमीन विवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई, जिसमें राजद के विधायक का भी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि तमाम लोगों पर FIR भी दर्ज हो गया है, जिसके बाद जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। इसी को लेकर जब हमने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से बात की तो उन्होंने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है, और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुने। सर, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। किसी को भी ये RJD विधायक नहीं, क्या BJP विधायक कब्जा नहीं कर रहे, क्या जदयू विधायक कब्जा नहीं कर रहे? विधायक किसी पार्टी का हो, मुझे लगता है कि जदयू के विधायक थोड़ा संयमित होंगे नीतीश कुमार के डर से, लेकिन BJP और RJD के विधायक और मंत्री जिस तरीके से हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, इसका असर महागठबंधन पर पड़ रहा। कांग्रेस और जदयू के विधायकों का कैरेक्टर नेताओं के चरित्र से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इधर नीतीश कुमार के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गलतियां जदयू और कांग्रेस कभी करेगी, लेकिन RJD के विधायक पर कोई कंट्रोल नहीं है। RJD के विधायक कुछ भी किसी को गाली देंगे, जब मुख्यमंत्री को ही गाली देते हैं और किसको बख्शेगा। गाली देने का बड़ा रिजल्ट यह निकला कि उसके दूसरे भाई को MLC की टिकट दे दी गई, और जब तेजस्वी जी के गाड़ी पर ऐसे महाबली सब बैठेंगे खड़े रहेंगे तो SDO BDO दरोगा क्या करेंगे। हम भट्टी साहब से आग्रह करेंगे, आपके लिए अग्नि परीक्षा है। ऐसे लोग जो सत्ताधारी जमीन कब्जा करने में गोली चलाते हैं बिना किसी कारण और सत्ता के पूछे, उन्हें जेल में बंद करें। तो आपने साफ तौर पे सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का कहना है कि राजद के विधायक हो या राजद कोटे से मंत्री, इन लोगों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसी के लिए कहीं ना कहीं इसका खामियाजा महागठबंधन को भी भुगतना पड़ता है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जमीन विवाद मामले में राजद के विधायक का नाम सामने आया है, तो इस मामले में आगे और क्या कुछ नया खुलासा देखने को मिलता है। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।